अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने चक्का थाना के माध्यम से जुआ खेलते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों से 6 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रामगंज थाना प्रभारी नरपत सिंह ने बताया कि अजमेर एसपी को राजदीप के निर्देश पर चंद्रवदाई नगर हरिओम कॉलोनी में स्थित तारा देवी के मकान पर दबिश दी गयी, जहाँ छक्का दाना के जरिए 8 व्यक्ति जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लाख रुपए के साथ ही सभी सामग्री जब्त की और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस विभिन्न धाराओं से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। कैसी क्या कार्रवाई करी आज? आज श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एसपी साहब की जो स्पेशल टीम है उसकी सूचना के अनुसार यहाँ चंद्रप्रदाई में हरिओम नगर है, तो ऐसी जानकारी थी कि हरिओम नगर में तारा देवी शेखावत करके कोई है, उसका एक मकान है, उसके मकान के अंदर 8 आदमी जुआ खेल रहे, जिस पर उस मकान को वारंट प्राप्त कर चेक किया गया तो उसके अंदर 8 आदमी जुआ खेलते पाए गए, जिनके नियमानुसार कार्रवाई की गई, 8ों को गिरफ्तार किया गया और उनसे करीब 6 लाख रुपए जुआ खेलते हुए जो राशि थी दाव पे लगाई जा रही थी वो राशि बरामद की गई। किस तरह का जुआ था, क्या खेल रहे थे? जुआ वो दाना, चक दाना करके एक आता है इनका पैटर्न, उसके खेल रहे थे। सर कौन कौन थे इसमें, क्या क्या नाम है? 8 आदमी है, एक का नाम तिलक, माधो, ललित, मोहम्मद इरफान, कन्हैयालाल, दीपक कुमार, प्रवीण सिंह राठौड़ और हरिओम। 3/4 आरपीजीओ के तहत।